नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे हेल्थ वीडियो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन आधार में ई KYC करना, यानी कि सरकार द्वारा जितने भी फर्जी मेंबर जन आधार कार्ड के अंदर हैं, उन सभी को सरकार अब हटाने के लिए जितने भी 5 साल से बड़े लोग जन आधार कार्ड के जुड़े हुए हैं, उन सभी की ई KYC आधार के जरिए करवाएगी। तो वो आप किस प्रकार करेंगे, उसका एक छोटा सा मैं आज इस वीडियो में डेमो दूंगा और भी कुछ जो भी नॉलेज की चीजें हैं वो भी इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ई मित्र पोर्टल पे आ जाना है और जन आधार लिख के सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही जन आधार लिखेंगे तो जन आधार का ये तीसरा ऑप्शन आ रहा है, जन आधार नामांकन सीडिंग एंड धन वापसी, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप रिडायरेक्ट उस पोर्टल पे हो जाएंगे जन आधार कार्ड के। तो यहाँ पर आप जन आधार के पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पर एनरोलमेंट है तो एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। अब यदि आप किसी बंदे की एडिटिंग करेंगे तो जब तक ई KYC नहीं करेंगे तब तक आपकी एडिटिंग किसी प्रकार की संभव नहीं है। आप किसी व्यक्ति की किसी भी जन आधार की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं जब तक आप फैमिली ई KYC नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एडिटिंग करना पहले करेंगे तो उससे पहले आपको फैमिली ई KYC करना होगा। तो यहाँ पर फैमिली ई KYC का ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ पर रसीद संख्या मांगा जा रहा है तो आप रसीद संख्या लगा सकते हैं। जन आधार संख्या से यहाँ पर ये ओपन नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जन आधार संख्या डालते हैं तो यहाँ पर ये ओपन नहीं होता है, इसलिए रसीद संख्या डालनी है। रसीद संख्या यदि व्यक्ति के पास नहीं उपलब्ध हो तो यहाँ पर आपको जेनरिक सर्च में जाना है। यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी जन आधार में मोबाइल नंबर है वहाँ OTP जाएगी। वो OTP डालकर यहाँ पर आपको नीचे रसीद संख्या शो हो जाएगी, वो वहाँ से लेकर आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर फैमिली ई KYC में रसीद संख्या डाल के आपको खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही खोजेंगे तो आपको पूरे जन आधार के मेंबर जो 5 साल से बड़े हैं वो सब भी यहाँ पर दिखाई देंगे और बारी बारी में सबका फिंगरप्रिंट या OTP के जरिए आपको ई KYC कर लेना है। उसके बाद में आप एडिटिंग कर सकते हैं, वरना आप किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। सरकार द्वारा जितने भी अनलीगल लोगों को जो जन आधार कार्ड के अंदर जोड़ा गया है उन सभी को हटाया जा रहा है, इसलिए ये ई KYC करवाए जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।